हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 10:30 बज रहा है, 12:10 की ट्रेन है हम लोगों की। हम लोगों की टिकट है, ट्रेन हमारी नहीं है लेकिन टिकट हमारी है, एक दिन के लिए सीट हमारी है। तो हम लोग ने टिफिन ले लिए, भुर्जी रोटी जरूरी नहीं था फिर भी ले लिए। ले जाओ मेरे दोस्त ने बोला कि भाई रास्ते में वहाँ से ट्रेन से मत लेके कुछ भी खाना, पेट खराब हो जाता है। हाँ, तो अच्छा है। और 6 घंटे का 8 घंटे का सफर। कितने साल के बाद जा रहा है? 15-16 साल के बाद। हाँ, कम से कम ये ना 12-13 साल का था। जिसकी शादी में गया था, आज उसके बच्चे लोग इतने बड़े बड़े हो गए। और कितने तो नया प्रोडक्शन आ गया। तो भाई मजा आने वाली है ये ब्लॉग और इसके आने वाले बाद के भी ब्लॉग का वेट करना और देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और मजे लेना। पूरा वीडियो जरूर देखना। हाँ, पूरा वीडियो। इसके बाद भी 1-2 वीडियो आपको मिलेगा इसी भाई के चैनल पे हमारे गांव के। तो हम लोग का सफर हो गया है, ओला का खत्म। हम लोग पहुंच गए हैं CST। ये भाई है, भाई ने अच्छे से एकदम पहुंचाए सुकून से हम लोगों को। भाई हाय कर दो। हाँ, सेफली पहुंचा दिए। मेरा तो उम्मीद 50% आके पहुंच पाएगी या नहीं। बहुत ट्रैफिक हो गया था। ट्रैफिक बहुत हो गया था और हम लोग 2 घंटा पहले निकले थे और 1.5 घंटा हम लोगों से देर से भी शायद थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा हो गया। चलो लेकिन पहुंच गए टाइम पे, अभी चलते हैं अंदर की तरह। थैंक यू भाई। तो स्टेशन पहुंच गए हैं, अब जा रहे हैं 17 नंबर प्लेटफॉर्म पे। नींद खुली तुम्हारी? बड़ा आती ना हवा, आती ना। तो मेल एक्सप्रेस 17 नंबर में आपका स्वागत है। कितने टाइम के बाद? मैं तो यहाँ आता ही नहीं हूँ। तो ये शायद नहीं बचपन में हम लोग यही चीज़ के लिए, मेरे को याद है कि तपवन गाड़ी से गए थे, वो भी VT से मिलती थी लेकिन वो सुबह 6 बजे की मिलती थी। मम्मी को छोड़ने के लिए आए थे? क्यों? मैं नानी को छोड़ने आया था। याद छोड़ने? हाँ, मैं आया था। दादा आया था, वो दादा से ट्रेन थी। सीट नंबर? हाँ, क्या पियेंगे? ठंडा पानी। तो ठंडा पानी, गर्म हो रहा है इधर पे बहुत सारा। मुझे मिल रहा है बल्ब ऑरेंज। यार गर्म से परेशान, क्योंकि ट्रेन चालू नहीं है तो पंखे बंद है अभी तक। गर्मी के माहौल के हिसाब से गर्म हो रहा है। वैसे हमारी प्लेन कैसी लग रही है? प्लेन देखो, ये हमारी है सिटिंग प्लेन अरेंजमेंट। पंगा क्या हो गया मालूम क्या? हम लोग की 3 टिकट है 62-63, जो कि दोनों भी विंडो नहीं है। 61 पता नहीं किसकी है। और यहाँ पर जो टूटा हुआ है ना 64, वो भी विंडो नहीं है। ये वाली मतलब ये और ये वाली सीट हमारी है। ऐसी कैसी टिकट बुक किया रे भाई? मैं भरोसा थोड़ा ज़्यादा कर लिया था टिकट ना वो विंडो सीट ना ये विंडो सीट। अभी हम लोग दोनों के बीच में इधर पे गैप है, कोई आएगा के लिए नहीं होगी ना बेटा भरोसा। तो फोन करके बोल रहा है नहीं, मेरी कहीं भी अजमेर भी मैं जब भी गया ना तो उससे निकाल और खाली फोन पे बोल देना पड़ता है मेरे को कि भाई टिकट निकाल देना। हाँ, तो निकल जाती तो इतना भरोसा है। अभी वही कह भाई 3 टिकट निकाल देना, आके ले लूँगा। हाँ, उसने निकाल दिया लेकिन अपने साथ पंगा। अच्छी है,
किसी के पीठ पे दर्द है। ट्रेन से नहीं थी और ट्रेन में बैठते साथ मुंह चालू हो गया हम लोग का। नहीं दोनों हिंदी और दोनों हिंदी और इंग्लिश ना देसी अंग्रेजी दोनों है। रियाद की खाने की प्लेट भी लग गई। हाँ भुर्जी भुर्जी बनी ली भुर्जी। लोग ने लाइट चालू कर दिए। अरे लाइट चालू कर रहे ना लोग, लाइट चालू कर रहे ना भाई, चालू कर रहा है। थैंक यू अंकल। एसी थोड़ा बैक रखना। सो फाइनली अपनी ट्रेन शुरू हो गई है गाइस। गर्म बहुत हो रहा था, सुकून मिला, तसल्ली मिली, ट्रेन चालू हो गई है। यही तो कुछ शॉर्ट समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तुम खिड़की का एंजॉय करो, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ ताकि तुमको आवाज अच्छे से हवा अच्छे से बैठ जाना। हाँ जब आएगा तब ठीक है ना, लेकिन अभी तो बैठने का ही दिल नहीं कर रहा मेरा। गर्म हो रहा है ना। ट्रेन चालू हुई है, मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए। रात में नींद पूरी हुई नहीं है। अभी भाई भाई सो गए थे। तू कहाँ जा रहा है सोने के लिए? मैं हम लोग को सीट एक्सचेंज होने वाली थी लेकिन हो गया कंफर्टेबल, एडजस्ट कर लिए। जिसकी ये सीट है ना भाई, जिसकी ये सीट है जिसपे भी हम लोग अभी बैठे, वो ना किसी सब्सक्राइबर की ही है, वो आके अपने को हटा देते हैं। ये सीट हटो मेरी है, तो उनकी वाइफ है। अरे अब तो वो यूट्यूब चैनल पर आते हैं खाना बनाने, सुन लेंगे तो बोलेंगे उठो। अब मैं जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, यहीं जा रहा हूँ है ना। सोने जा रहे, सोने आराम करने। रात में 3 घंटा भी नहीं सोया मैं, 5 बजे सोया हूँ, 7 बजे उठ गया, 7:30 बजे, 2.5 घंटे की नींद। तुमको कितने घंटे की नींद मिली? मैं 4:30 बजे सोया और अम्मी ने उठा लिया मेरे को 8 बजे। ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, शाही गरम शाही। अभी हम लोग पहुँचे हैं कल्याण, थाना गया है, दादर गया है, कल्याण आ गया है, 3 स्टेशन हो गए। 3 स्टेशन के बाद सीधा औरंगाबाद। यहाँ पर मिल गए अम्मी और रियाज को, स्ट्रीट फूड जायका के सब्सक्राइबर। स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। खाना खाने आओ। जिंदा है, 2 बज रहे हैं, भूख लगी है। हम लोग ने घर से लेकर आए थे भुर्जी और रोटी। हाँ गाड़ी का नहीं खाने का, गाड़ी का नहीं खाने का, पेट खराब होता है। और रियाज भाई का तो पेट पहले से कमजोर इंसान है, उसको बहुत गड़बड़ होती है पेट में। छोटी बोतल नहीं है पानी की, रहेगी ना अच्छी खासी क्वान्टिटी में। और रियाज भाई की फेवरेट है लपेटो भुर्जी। आवाज आएगी तो बोलने का नहीं देखो कुछ ऐसे ही है, इसके लिए अपन लॉन्ग ड्राइव नहीं करते, गाँव वाँव जाना पसंद नहीं है। 16 साल हो जाते हैं क्योंकि 6 घंटे का ट्रैवल है और 3 घंटे में हार मान गया हूँ मैं। अब ऐसा लग रहा है 3 घंटे कब बीतेंगे, कब आएगा स्टेशन औरंगाबाद। 3 बज रहा है, हार मान गया, सफर करने नहीं जाता है, हालत खराब है। 3 घंटे में हार मान गया, गर्मी से ज्यादा परेशान। 3 घंटा हाँ मतलब हम लोग तो सुबह से कर रहे हैं, आप लोग बस में भी थे ना, ओला में। फिर 5 घंटा हो गया, अभी थके रहे थे ऊपर से। मैं सोचा था कि रात में 2.5 घंटा सो रहा तो नींद अच्छी आएगी, नींद भी नहीं आ रही, इतनी छोटी छोटी है ना। हाँ कंफर्टेबल जोन से बाहर। बोलो मेंदूड़ा इडली भी खाएगा तू। मनवाड़ स्टेशन आ गया है जंक्शन पे, यहाँ पर ट्रेन रुक रही है तो हम लोग भी बोले चलो थोड़ी पीट सीटी करते हैं। वड़ा पाव फेमस तो हर जगह है, हम भी तो इधर ही। चाय चाय। बाबा बात कर रहे हैं लुकअप से। कौन है?
हाँ ठीक है ठीक है, चल अब्बा कहाँ है, अब्बा कहाँ है, अब्बा आ रहे हैं। देख अब्बा की आवाज आई, मेरा पापड़ू क्या कर ला, अब्बा के पास चलो। हाँ आवाज सुन भी आएगी खाली, चलो ठीक है। यूसुफ का फोन आया, मेरे को आने का अभी 5 दिन का गैप है। हाँ ना ट्रेन में ना, चलो देखो अभी मेरे को फोन करिए, मैं करता हूँ उसके बाद। फोन आया मेरे को, करो करो छाँव में रह के। अभी मनमाड़ क्रॉस हो गया है, एक स्टेशन बचा है, उसके बाद पौना घंटा, आधा घंटा पौने घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग औरंगाबाद। ठीक है, होने वाला है सफ़र ख़त्म। छोटी छोटी सी कम से कम 8 से 10 बार नींद मार चुका हूँ, 5-5, 10-10 मिनट की, फिर उसके बाद सड़ी हुई कॉफ़ी पी के नींद खुल गई। औरंगाबाद आने वाला है, जिसके वजह से पब्लिक खड़ी हो गई है, बैग वैग निकाल रही है और हम लोग भी निकालने वाले हैं। घर में ना वैसे ही सीन, हम लोग को आदत ही नहीं ना ऐसा गाँव वाँव जाने की, भटकने बहुत दिन के बाद बैठोगी ट्रेन, क्यों बैठी बैठे एक घंटा कैसा कैसा निकला ना हम लोग को मालूम है। आधे घंटे में स्लीपर निकाला ना, बोले सीटर ही है। होता है होता है होता है, लेकिन फाइनली कितने अभी सालों के बाद औरंगाबाद पहुंचने वाले। अब तो देखो ना पब्लिक निकल रही है, हम लोग अभी सामान निकालने का ऊपर से और कंटी लेने गए अभी यहाँ से। ये था अपना सामान वाला बैग, कपड़े वाला बैग, अम्मी का बैग, ये रियाज का बैग इधर पे। टाइम आ गया निकालने का भाई, बागी पहुंच गया, बागी पहुंच गए। देखो सबके सामान निकल गए, सात सामान निकल गए ले भाई। सुबह लिया था इसने ये चॉकलेट, शाम हो गई है चॉकलेट की हालत देखो। ऐसा करेगा तो दूंगा नहीं मैं, तो फिर भी खाऊंगा। मैं भी बड़ा भाई हूँ यार, 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को तेरे से, 3 साल। बिना हाथ गंदा किए कैसे खाते है बताओ। आज भी गिर गया ट्रेन में, पता नहीं चला किधर गया। अभी रुमाल बांधा पर अभी तैयार है निकलने के लिए, ट्रेन भी रुक रही। औरंगाबाद आ गया है, चलो फिर तैयार हो जाओ। चलो गाइस उठा लेगा ना अम्मी का बैग, अम्मी तुम खाली उतरो, कुछ छोटा तो नहीं है ना, खाली वो देख लो। रेडी चलो, तो अरे आपको क्या हुआ मामू? अरे रे सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप साहब? तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं औरंगाबाद। जब घर से निकले थे एकदम फ्रेश फ्रेश थे, एकदम करो ताजा, लेकिन यहाँ आए थे एकदम सुस्त हो गई थी बॉडी। और बहुत सारी पब्लिक आई है गाइस, पूरी ट्रेन यही खाली हुई क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर पब्लिक खाली हुई है। और हम लोग जस्ट उतरे हैं, अम्मी को मिल गए, अम्मी के भाई, अम्मी के एकदम बोलते ना लाडले भाई, वो मिल गए हैं। हम लोग ने भी बोले थे सोच के आए थे ना, वो अम्मी ना लाडले, तो हम लोग ने भी सोच के आए थे कि अम्मी उनको साथ में अलग से टाइम देते रहेंगे हम लोग, जब जब मिलेगा हम लोग बीच बीच में नहीं घुसेंगे, हम लोग अपना अलग भाग जाएंगे। अभी औरंगाबाद के पूरे ब्लॉग्स देखने के लिए तैयार रहना गाइस, और पहले वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मतलब थोड़े अलग टाइप के ब्लॉग रहेंगे, मतलब दोनों के चैनल पे रहेगा, स्ट्रीट फूड जायका भी रहेगा और भाई के चैनल पे भी रहेगा। बिल्कुल, तो मैं मेरे चैनल पे भी बता दूंगा, मेरे से कुछ मिस हो गया रहेगा तो वो भाई के चैनल पे देख लेना। इन शॉर्ट के ना आपको पूरा वन टूर में मिलेगा रियाज के चैनल पे, लेकिन डिटेल वीडियो मिलने वाली है मिस्टर सरफराज पे, तो दोनों चैनल पे अलग मजा मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ ठीक है, वो लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करें। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अम्मी का भी ध्यान रखें, नहीं तो मामू बोलेंगे साला बेटे लोग तो भाग के छोड़ के।
वेलकम टू औरंगाबाद गाइस, क्योंकि हम लोग का भी वेलकम है, हम लोग का वेलकम, तुम लोग का वेलकम साथ में। देखो वहाँ पर मैंने बचपन में मैंने देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता, उसी के साथ मैंने देखा था औरंगाबाद स्टेशन पे एक ना ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ है, जो कि दिख रहा रहेगा आप लोगों को उधर की तरफ पे है। अम्मी भी है साथ में हम लोगों के, मामू और अम्मी को थोड़े मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही भूल गए हम लोग, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख रहे हम लोग। चलो गाइस, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। तुम लोग मुंबई टू औरंगाबाद को लेकर आए हो, अब औरंगाबाद घुमाना बाकी है, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।